मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस की राजनीति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है और पार्टी किसी आदतन अपराधी को अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही जनप्रतिनिधि बना दिया। भाजपा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर का मामला संज्ञान में आया है कि किसी अपराधी के परिवार को टिकट मिल गया है तो तुरंत उन्होंने फौरन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात की और उस टिकट को वापस ले लिया। यदि आगे भी ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भाजपा किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी कई निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया।